हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं बेसन ब्रेड पकौड़ा। इसमें हमने आलू का यूज़ नहीं किया है। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और वीडियो को पूरा देखें। ये देखिए कितना क्रिस्पी। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल लें और इसमें एक कटोरी बेसन ऐड करें। बेसन ऐड करने के बाद अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। इसी के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसमें ऐड करेंगे हम हल्का सा कसूरी मेथी। आप चाहें तो धनिया पत्ता भी बारीक कट करके ऐड कर सकती हो। इसी के साथ ही दरदरी पीसी हुई काली मिर्च या आप काली मिर्च पाउडर भी ले सकते हो। और इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। अब इसको एक विस्कर के हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद हम इसका बैटर बनाएंगे। सारी चीज़ें मिक्स करने से बेसन में ये एक बराबर ऐसे मिक्स होती हैं। अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, जिससे पकौड़े बिल्कुल फूले फूले और क्रिस्पी बनेंगे। एक बार इसको भी मिक्स कर लें। इसी के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला आप पहले भी ऐड कर सकते हो, हम इसको लास्ट में ऐड कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करते हुए वाटर ऐड करके हमें इसका एक स्मूथ सा बैटर बना रहे हैं। न ज़्यादा पतला और न ही ज़्यादा गाढ़ा। और वाटर एक साथ ना ऐड करें। थोड़ा थोड़ा करते हुए ऐड करने से इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। ये देखिए। और इसे विस्कर से मिक्स करें, जिससे इसमें कोई लम्स ना रह जाए। ये देखिए, हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है। आप चाहें तो तुरंत भी बना सकती हो या 10 मिनट साइड में ढक के रख दें, जिससे बैटर बिल्कुल सेट हो जाता है। अब हम ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और ब्रेड स्लाइसेस को सीजर के हाथ से या फिर नाइफ के हाथ से हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। पहले बीच से कट करें और फिर ये जो हाफ है इसको भी ऐसे हाफ कर दें। टोटल हम 4 पीसेस में इसको कट करेंगे। एक ब्रेड स्लाइस में 4 पीसेस। या आप इसे और छोटा भी कर सकती हो, पर इतना बड़ा परफेक्ट है। जितना आपको बनाना है आप उतना कट करके एक प्लेट में रखते जाएं। ये बहुत ईजली ऐसे कट हो जाता है और सीजर से बिल्कुल परफेक्ट कट होता है। ये देखिए। अब हम आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। एक ब्रेड की पीस लें और इसको ऐसे बैटर में रैप करना है और फिर तेल में हमको ऐड करते जाना है। ऐड करने के बाद थोड़ी देर तक ऐसे ऊपर कर लें ताकि एक्स्ट्रा बैटर जो है वो निकल जाए। और एक कढ़ाई में ऑयल ऐड करें और बिल्कुल गर्म ऑयल में एक एक करते हुए ऐड करें। ऐसे लपेटते हुए थोड़ी देर बैटर को ऐसे निकाल दें ताकि एक्स्ट्रा बैटर जो होता है वो निकल जाए। पहले एक ऐड करें और फिर किनारे करते हुए एक एक करते हुए ऐड करें। जितना कढ़ाई में आपने तेल लिया है उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। हम एक साथ 3 फ्राई कर रहे हैं। ये अपने आप ही कढ़ाई से अलग होने लगता है। ये देखिए। और जब एक साइड से हमें लगे कि ये फ्राई हो गया है तो बीच बीच में पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई करें। बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए कैसे फूलने लगा है। और इस पकौड़े में हम कोई भी स्टफिंग्स नहीं भरे हैं। बिल्कुल सिंपल पकौड़े हैं। इसे आप किसी भी तरह से कभी भी बना सकती हो। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए और क्रिस्पी हो जाए तो आप इसको तेल से ऐसे किनारे से करते हुए निकाल लें और टिश्यू पेपर पर रखते जाएं, ताकि टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। सेम ऑयल में जैसे हमने फ्राई किया है वैसे ही एक एक करते हुए ऐड करें। इस बार हमने 4 पीसेज ऐड किए हैं। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जा रहा है और बिल्कुल फूल जा रहा है। गोल्डन ब्राउन होने पे एक एक करते हुए तेल से बाहर निकाल लें और टिश्यू पेपर पे रखें और गर्मा गर्म ही सर्व करें। गर्मा गर्म ये बहुत क्रिस्पी लगेगा, नहीं तो सॉफ्ट हो जाएगा। हम इसे टोमेटो केचप के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए देखने में कितना बढ़िया है, खाने में उतना ही टेस्टी और क्रिस्पी है। इसी मेथड से आप आलू का, बैगन का, गोभी का पकौड़ा भी बना सकते हो। सारी की रेसिपी हमने चैनल में दी हुई है और पनीर पकौड़े की रेसिपी भी चैनल पे है, आप उसे भी ट्राई करें। ये देखिए इसके साउंड्स। रेसिपी ट्राई करें और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।